हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नर्मद आसिफ, जहां पर लाते हैं हम ढेर सारे बिजनेस अपडेट्स और बेहतरीन जानकारियां, या तो वो हो टॉप बिजनेस आइडियाज़ या वो हो मोटिवेशनल स्टोरीज। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने के लिए, जो कि बहुत ही एक ज्वलनशील मुद्दा है कि कैसे जो है गल्फ कंट्रीज़ को जो है एजुकेशनल सेक्टर के अंदर जो है पिछड़ा किया गया, या वो खुद हैं इस चीज़ के ज़िम्मेदार। कैसे वो 500 साल पीछे हुए और कंट्रीज से, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज हो। तो आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। कैसे इराक को बर्बाद किया गया, बगदाद यूनिवर्सिटी को किस तरीके से बर्बाद किया, कैसे वो हुई तबाह बर्बाद, कौन था इसके पीछे, क्या थी उसकी थ्योरी और क्या थी उसकी कॉन्स्परेंसीज जिसकी वजह से जो है गल्फ कंट्रीज जो है पिछड़ते चले गए। कैसे प्रिंटिंग प्रेस जो है बंद हुई, कैसे उसके ऊपर बैन लगाया गया, कैसे 500 साल तक जो है प्रिंटिंग प्रेस ने जो है वहाँ पर काम नहीं किया, क्यों वो हुए तबाह बर्बाद, क्या पेट्रोल की वजह है या उनका आराम और याशी इसकी वजह है। आइए चलते जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने कैमरे के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी इसको इनोवेट किसने किया, कौन था इसका आविष्कार, या सर्जरी से रिलेटेड हो कोई भी काम, किसने शुरुआत की सर्जरी की, किसने शुरुआत की ट्रिग्नोमेट्री की, किसने दिए वर्ल्ड को टॉप मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट। तो जी हाँ, ये सब साइंटिस्ट हुए सब गल्फ कंट्रीज से, चाहे वो इब्न सीना हो, चाहे वो अलबरूनी हो, चाहे वो हो अलफराबी, जिन्होंने अपनी दुनिया के अंदर जो है अपना लोहा मनवाया और बेहतरीन मकाम हासिल किया। लेकिन कैसे जो है इन सब चीज़ों को ख़त्म किया गया, कैसे जो है उनके बैकग्राउंड्स को जो है एकदम दुनिया से जो है गायब किया गया, क्या थी उसके पीछे कॉन्फ्रेंसिस, क्या थी उसके पीछे थ्योरी, किस तरीके के मिशंस और चीज़ें जो है चलाई गई, और कैसे उनको तबाह बर्बाद किया गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में।